कश्मीर इमा ऑफ पैराडाइज के बारे में कि क्या कहानी है और स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, कहानी तो जब लोग फिल्म देखेंगे तो पता चलेगी, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि आज की फिल्म भी है और ऐतिहासिक फिल्म भी इसको कह सकते हैं। 1931 से लेके और आज तक की जो कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर की जो घटनाएं हैं, उन सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें समेटने की कोशिश की गई है एक फिक्शन कहानी के जरिए। सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि जब भी कश्मीर का जिक्र होता है और यहाँ की घटनाओं का जिक्र होता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ जो भी फिल्म मेकर नेगेटिविटी दिखाते हैं, आपकी फिल्म में क्या नेगेटिविटी होगी या पॉजिटिविटी होगी, थोड़ा सा उस बारे में अगर खुलासा कर सकें। नहीं, ये बड़ा वेग सा सवाल है आपका, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। तो ये तो एक परसेप्शन की बात भी होती है कि किस चीज़ को हम नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन हम तो कश्मीर के की सच्चाई को बताना चाहते हैं और जो ऐतिहासिकता है कश्मीर की उसको बयान करना चाहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव से हमें कोई हमारा जो हुआ है वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो हुआ है कश्मीर में वो बताने की कोशिश है। आज के बारे में जानना चाहेंगे कि आज किस तरह का मतलब फिल्म आया जाएगा, कौन कौन से एक्टर आए हैं, क्या कुछ सीन यहाँ फिल्म फिल्म का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण सीन है। वेटरन एक्टर अजय मराज साहब आज शूट कर रहे हैं हमारे साथ और प्रणीत भट्ट जी भी कर रहे हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो आज इस सीन को शूट कर रहे हैं और ये फिल्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सीन है जिसको हम शूट कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म में आपका किरदार क्या होगा और आज जो यहाँ सीन फिल्माने वाला है क्या सीन होगा, कुछ अगर मेरा जो किरदार है वो गाजी यूसुफ शाह का है जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है और आईएसआई के साथ उसका संगठन है जिसकी बदौलत वो कश्मीर में तबाही, गारतगरी, बदअमनी फैलाने का प्लान बना रहा है। आज जो हम सीन पिक्चराइज कर रहे हैं वो फिल्म का पहला सीन है जहां हम प्लानिंग कर रहे हैं और ये जो सेट है आज का ये इस्लामाबाद का है, वहां पे प्लानिंग हो रही है कि हमें क्या करना है, ये सीन है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में। सर, मैं बशीर अली का किरदार निभा रहा हूँ जो कश्मीर में आतंकवाद को डिज़ाइन करता है, आतंकवादी पैदा करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनसे मिशन करवाता है। मेरे जो बॉस है वो रजा साहब प्ले कर रहे हैं जो हिजबुल के हेड है, जो जिनकी कमांड सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि आगे क्या करना है। और जैसा कि अतुल जी ने आपको बताया है, इन्होंने बहुत रिसर्च की है और 1931 से लेकर आज तक जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है वो किसी न किसी तरीके से सच को बयां करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं पहला शेड्यूल हमारा कश्मीर में हुआ जिसमें प्रणीत साहब भी थे। हाँ। उनका बड़ा ज़बरदस्त उसमें, मतलब आप समझिए कि सिंथन टॉप पे किया। ग्लेशियर पे शूट किया, ग्लेशियर पे शूट किया। आप इस फिल्म में कश्मीर की खूबसूरती भी देखेंगे, कश्मीर के जो वो जगहें हैं जहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं पहुँच पाते हैं, वो जो हाइट्स है जहाँ पे बकरवाल रहते हैं वहाँ तक हम लोगों ने शूट किया। और कोकरनाग में किया, कोकरनाग में नहीं, रात को जब किया था तो कोकरनाग में किया, रात को कोकरनाग में। नहीं, मैं इनके बारे में एक बात कहूँगा, दो किस्म के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो फिल्म कंप्लीट करना चाहते हैं और दूसरे होते हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं। जो कंप्लीट करना चाहते हैं वो प्रपोजल मेकर्स होते हैं और जो फिल्म बनाना चाहते हैं वो फिल्म बनाना चाहते हैं। तो ये वाकई फिल्म बना रहे हैं, फिल्म यकीनन पैसे से बनती है, पैसे के बिना फिल्म नहीं बनती है, लेकिन
इनका जो पैशन है, इनकी एक डिवाइन मैडनेस है इस फिल्म को बनाने के लिए, जो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। जैसे कि अगला शेड्यूल हमारा कुछ 20 दिन का है, कुल्लू मनाली में हम कर रहे हैं, और उसकी फुटेज मुश्किल से 2.5 मिनट की निकलेगी। तो जो इनमें एक पैशन है, जो इनमें एक दीवानगी है, वो मैं तकरीबन 600 फिल्मों में काम कर चुका हूँ, लेकिन ऐसी दीवानगी, ऐसा शौक फिल्म बनाने का मैंने बहुत कम प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में देखा, यही कहूँगा। क्या कहते हैं कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत कितनी दिखेगी? बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि कश्मीर को दिखा रहे हैं, फिल्म का नाम भी कश्मीर है, तो कश्मीर की जो संस्कृति है उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की गई है, और कश्मीर में किस तरीके से जो एक कश्मीर की जो फिजा है, और कश्मीर की फिजा जो पहले भी थी और आज भी है, उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की गई है, कैसे उसमें चेंजेज आए हैं समय के साथ, उसको भी पूरा पकड़ने की कोशिश। एक बात मैं और कहूँगा, बहुत सी फिल्में बनी हैं कश्मीर पे, बहुत सी बनी हैं, नारे तो बड़े बड़े लगे हैं उसमें, लेकिन किसी में कश्मीर जाकर शूट करने की हिम्मत नहीं हुई। इक्का दुक्का लोग गए हैं, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा और जिगर चाहिए कि इन हालात में यू आर गोइंग इनटू द हार्ट ऑफ कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम, आप बिल्कुल कश्मीर के हार्ट में जाके, और शूटिंग ये नहीं है कि आप गए और आप चुपचाप करके चले आए, दो शेड्यूल किए हैं। तो जब आप कश्मीर जाते हैं तो पूरा यूनिट होता है, कैमरा होता है और रिफ्लेक्टर्स होते हैं, 250 लोगों की यूनिट मेंबर्स होते हैं, 250 लोगों की, तो ये शूटिंग जो है वो आप चोरी छुपे नहीं कर सकते, तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। वरना मैंने बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं कि बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, लेकिन डर के मारे शूटिंग जो है वो कुल्लू मनाली में हो रही है, वहाँ जाने की हिम्मत की के डायलॉग हैं उसमें, लेकिन कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं है लोगों में, खाली डायलॉग बाजी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पिक्चर में कोई भी ऐसी ईंट नहीं है जो सर ने उठाई नहीं है, मतलब जिस लोकेशन पे हमको शूट करना उस लोकेशन पे हम गए, वहाँ पे हम लोग ग्लेशियर पे शूट कर रहे थे, यस यस, मतलब 5 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है और बर्फ शुरू हो जाती है। पहले दिन तो फंस ही गए थे और कैसे वहाँ के जो बकर वाले, उन्होंने बोला अभी आप तुरंत निकलिए, और 10 मिनट्स में, लेकिन हमारा यूनिट और प्लानिंग ऐसी थी कमाल की कि हमारा पूरा यूनिट रेडी था, 5-10 मिनट में हम लोग गाड़ियों में बैठे और वहाँ से निकल भी गए, 250 लोगों की। अतुल जी, ये जानना चाहूँगा कि यहाँ से सारी जो यूनिट आप वहाँ लेके गए, लेकिन संभव नहीं है कि सब वहाँ पहुँच सके, क्या वहाँ के लोकल लोगों को भी लेकर इसमें इन्वॉल्व? बहुत ज़्यादा लोकल लोगों को बहुत काम दिया, बहुत काम दिया, वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको बहुत काम दिया, उन्होंने बहुत काम किया, और इनके साथ जो भी लोग थे सारे लोकल थे, सारे लोकल थे। पंडित जी के साथ जो भी लोग जूनियर आर्टिस्ट थे सारे लोकल लोग, सारे लोकल, क्योंकि दे आर गुड परफॉर्मर्स, और वो कश्मीर की फिजा को पहचानते हैं। एक मेरा फर्स्ट एक लास्ट मेरा एक सवाल रहेगा, पूछिए। आपने काफी रिसर्च किया इतिहास से लेकर यहाँ तक, जी, कोई ऐसा एक वाक्य या इतिहास का कोई एक लाइन हो या कुछ हो घटना जो शेयर कर सके जो आम लोग नहीं जान रहे हैं, ऐसा कुछ हो? नहीं, देखिए कश्मीर तो एक ऐसा प्लेस है, मैं तो कहूँगा, जिसके बारे में जितनी बातें कही जाएं, केवल एक घटना को उठा के तो बात नहीं की जा सकती है, वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कश्मीर को, मैं एक नरेटिव की बात कहूँगा कि कश्मीर जो है ना उसको स्वर्ग कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि स्वर्ग बड़े अटैक्स होते हैं, इंटरनल भी होते हैं आउटसाइड भी होते हैं, तो लगता है क्या कश्मीर को भी उसी तरीके से कुछ नज़र लग गई या क्या हुआ कि कश्मीर जैसी एक
जो विरासत की चीज़ है, जो एक कितनी बड़ा जिसका एक इतिहास है, इसकी लेगेसी है, वो आज वहाँ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। पॉलिटिकल सेंटर रहा है कश्मीर, पॉलिटिकल और इतिहास संस्कृति का केंद्र रहा है, विचार का केंद्र रहा है, पूरी दुनिया से जो विचार जाते हैं, पूरी दुनिया में कश्मीर ने विचार दिए हैं, शोध का भी विषय रहा है कश्मीर। अनेक आर्टिस्ट हमारे बॉलीवुड के इसमें काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रजा मदार साहब काम कर रहे हैं, प्रणीत भट्ट जी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की शूट कंप्लीट हो गई है। इनामुल हक का हो गया, रजनीश तुगल का हो गया, आकांक्षा पुरी का हो गया, अनेक लोगों इसमें काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है, लेकिन हम लोगों की मीटिंग हुई और इसके बाद एक्चुअली रजा साहब का तो ये है कि वो भांप लेते हैं ना, ये जो लीजेंड एक्टर 600-700 फिल्मों में काम किया है, तो उनको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भांप लेते हैं कौन सी चीज़ क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए बात क्या है भाई, आप इंसान की नीयत देखिए, अच्छी नीयत बुरी नीयत छुपती नहीं है, वो जाहिर हो जाती है। इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो फिल्म बना रहे हैं, जो कश्मीर में हुआ है, इसमें ये नहीं है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल ट्रू टू लाइफ, बहुत से कैरेक्टर जो हैं ट्रू टू लाइफ हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। मैं भी जिस कैरेक्टर का मैं रोल कर रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, बहुत मशहूर नाम है, लेकिन इनकी जो एक सिंसियरिटी की अप्रोच है, जिस सिंसियरिटी से ये फिल्म बना रहे हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसमें कोई मेलोड्रामा नहीं है, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, इसमें वही है, हकीकत है जो हुआ है। नहीं, वो हिंदुस्तान का खलनायक नहीं है, वो पाकिस्तान का खलनायक है, वो वहाँ का है, सरहद के उस पार का है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं जिस वक्त आप मुझे देखेंगे गेटअप में तो आंख बंद करके आप पहचान लेंगे कि मैं किसका रोल कर रहा हूँ। जी कुछ सस्पेंस तो होना चाहिए, जब रिलीज हो जाएगी आप थिएटर आके देखिए। दर्शन सफारी में मैं काफ़ी लोगों का नाम नहीं ले पाया हूँ, रामगोपाल बजाज हैं, दर्शन सफारी हैं, तो एक्चुअली मैं नाम इसलिए नहीं ले पाया हूँ कि अनेक लोग बॉलीवुड के काम कर रहे हैं इसमें, एक लॉन्ग, हाँ बहुत लॉन्ग लिस्ट है, सब लोग बड़े मनोयोग से काम कर रहे हैं हमारे साथ। कोशिश कर रहे हैं 15 अगस्त तक रिलीज करें। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर आए हैं, आपकी दमदार आवाज़ है, शानदार आवाज़ है, आवाज़ कितनी है, लोग जो नए कलाकार आ रहे हैं वो अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, एक्टिंग पे कम और अपनी आवाज़ पे कम, लगता है आप जो भी कह रहे हैं मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। विडम्बना इस बात की है कि ज़्यादा जोर जो है वो मसल्स पे है, सिक्स पैक पे है, और पूरा जो उनका मकसद है वो अपने जिस्म को संवारना है, जिस्म के साथ साथ, जिस्म संवारने के साथ साथ कुछ अपनी कला को भी संवारिए, कुछ अपनी स्पीच को भी संवारिए, क्योंकि अगर सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ही स्टार सुपर स्टार होते तो हर मिस्टर यूनिवर्स या हर मिस्टर वर्ल्ड जो है वो सुपर स्टार होता। तो ये कला है, अच्छी बात है आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक्टिंग नहीं है, अच्छा जिस्म होना चाहिए, अच्छी सेहत होनी चाहिए।
लेकिन कला क्या है, कला की गहराई क्या है, कला की बारीकियां क्या हैं, आवास का उतार चढ़ाव क्या है। देखिए, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो आपके दिलो दिमाग में आंखों से उतरते हैं, और कुछ ऐसे एक्टर हैं जो आपके दिलो दिमाग में कानों के जरिए उतरते हैं, आपकी आवाज के जरिए, आपकी मुकालमों की अदायगी के जरिए, आपके उतार चढ़ाव के जरिए। तो उस पर भी अगर ज्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा। जी जी हाँ, नहीं देखिए ऐसा है, अल्टीमेटली तो फिल्म चलती है। कोई दुनिया का एक्टर ये दावा नहीं कर सकता कि मैं फिल्म चलाता हूँ, ऐसा नहीं है। फिल्म जो है टोटेलिटी है, आपकी मेकिंग है, पब्लिक को कहाँ तक आप बांध कर रखते हैं उस पर मुनासिर होता है। अब हो सकता है कि फिल्म्स ये बाद में पिकअप कर जाएं, यू नेवर नो। ये भी T20 की तरह होती हैं कि फर्स्ट डे कुछ हैं, सेकंड डे कुछ हैं, कुछ चीज़ें जो हैं स्लो स्टार्ट लेती हैं उसके बाद पिकअप करती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छा इनिशियल लेती हैं लेकिन बैठ जाती हैं। आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं वो एक्सपेक्टेशन से कम हैं, बट लेट्स वेट एंड वॉच। नो, आई हैव नॉट सीन, बट आई एम रीडिंग ऑल द रिव्यूज एंड आई एम ऑब्जर्विंग द कलेक्शंस ऑल्सो, सो आई डू होप। देखिए, एक फिल्म चलती है पूरी इंडस्ट्री का फायदा होता है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये फिल्में चलें, बहुत मेहनत से बनी हैं। जैसे ये अजय देवगन की फिल्म है, ये एक बहुत ही बड़े लेजेंड की लाइफ पे बनाई गई है। अब ये हो सकता है कि हम हिंदुस्तानियों की जो तवज्जो है वो पूरी की पूरी जो है क्रिकेट पे है, फुटबॉल और हॉकी पे कम है। तो क्रिकेट का नाम सुनते ही लोग उछल जाते हैं, और इतने क्रिकेट के दीवाने होते हैं कि जो टेस्ट मैच होते हैं या 2020 IPL के मैचेस होते हैं तो बॉक्स ऑफिस पे भी उसका असर पड़ता है, लोग वो प्रेफर करते हैं जब तक ये चलते हैं। IPL का असर टेलीविज़न की इंडस्ट्री को हिट करता है, जितने भी सीरियल्स हैं इन सब की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लेट्स वेट एंड वॉच। अब फुटबॉल पे उन्होंने बनाई है, फुटबॉल जो है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, गोवा में खेली जाती है, हिंदुस्तान के कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ फुटबॉल बहुत शौक से खेली भी जाती है और देखी भी जाती है। तो अब वो पूरी की पूरी फिल्म जो है फुटबॉल पर है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैदान अगर मैदान मार ले तो बहुत अच्छा। नहीं, दो फिल्मों को ऐसे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी दो फिल्मों को, कोई भी दो किताबों को नहीं, कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है, क्योंकि वो एक चीज़ को लेके बात कही गई है। इसमें पूरे कश्मीर की जब आप इतिहास की बात करते हैं ना, 1931 से बात कर रहे हैं, वो 91 की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 1989 से 91 तक की बात, हाँ वो दो साल की बात कर रहे हैं, मैं 90 साल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो स्पेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत व्यापक परिकर भी हो जाता है जब आप इतने बड़े उसकी बात करते हैं, इतने 90 साल की आप इतिहास की बात करते हैं, तो एक बड़ा व्यापक सोच के साथ व्यापक परिकर उसका बहुत बड़ा है। स्पैन ऑफ टाइम इज वेरी वेरी बिग, 100 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ कश्मीर।
ऑलमोस्ट सेंचुरी। क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए वहाँ पर, कैसे ये सब पॉलिटिकल सेंटर और नॉलेज का हब क्यों बना रहा, क्यों कश्मीर के पीछे इतना सब? मैं तो आप लोगों से उम्मीद करता था कि आप मुझसे सवाल करेंगे कि 1931 ही क्यों चुना आपने लेकिन आपका सवाल वहाँ से नहीं आया कि 1931 से पहले की तो कोई बात नहीं की, 1931 क्यों हमने चुना। 1931 ऐसा है कि कश्मीर ने एक करवट ली। कश्मीर हर 20-25 साल के बाद एक अलग तरीके से करवट लेता है, तो 1931 के बाद तो कश्मीर ने करवट ली। तमाम तरीके की हवाएं वहाँ चलने लगी और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, तो उस समय से हमने उसको पकड़ा है। पहले तो मैं अतुल गर्ग जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, ये जो पिक्चर करने जा रहे हैं ये असल में देश की सच्चाई को इन्होंने दिखाने का काम किया है और काफ़ी बखूबी अच्छे से ये देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं, हमारे हिस्ट्री को दिखा रहे हैं। जो कश्मीर पिक्चर ये बन रही है, एनिग्मा ऑफ पैराडाइज, जिसका इन्होंने एक टाइटल रखा है, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि ये फिल्म जनता को बहुत पसंद आएगी। आज का तो राणा साहब आए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, पूरी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए, और हर तरीके से ये बहुत बड़ी बात होती है। फिल्म जैसे प्रोजेक्ट में बहुत तरीके की परेशानियां आप लोग जानते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट को करने में आती हैं, और मित्रों का, सहयोगियों का उसमें सहयोग मिलता है, उनका उत्साहवर्धन होता है, ये एक फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग इसको समझ नहीं पाते कि क्या है, लेकिन ये जैसे ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये कुछ लोग मदद करते हैं, किसी भी तरीके से उत्साहवर्धन करते हैं, मदद करते हैं, मानसिक सहयोग करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उनको उससे बड़ा बहुत ये जो एक मुश्किल भरा काम है इसको करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो मैं भाई साहब का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में आए। बहुत अच्छा लगा, अतुल जी बहुत ही काफ़ी मधुर इंसान हैं और बखूबी जो चीज़ों की गहराई में जाना कहते हैं, जो फिल्म में असली गहराई में जाना होता है, वो गहराई में जाकर के चीज़ों को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आया इन्होंने। और इस पिक्चर में भी मैंने देखा है, इन्होंने एक एक बारीकी से हर एक चीज़ को इन्होंने अपने पिक्चर में दर्शाया है। और अभी फुटेज देखा है भाई, अभी फुटेज जो मैंने देखा है, और अभी तो शूटिंग होनी बाकी है, तो जब फुटेज से ही मैं इतना प्रभावित हूँ, तो मुझे पक्का यकीन है कि जब पिक्चर पूरी होगी तो जनता उससे काफ़ी खुश होगी। बस ठीक है, बस हो गया। कहाँ है? नमस्कार सर। जनाब नमस्कार, जो लोग ड्रेस में एक Ha 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 ha.
भैया नंबर में चला तेरा पहले। हाँ हाँ भैया पाकिस्तानी भेजे हैं, पाकिस्तानी भेजे हेलो। आप हाँ करो करो भाई। अच्छा राजेश जी का नहीं उधर से बैठ के आएगा ना तू थोड़ा पीछे जो मेकिंग दादा रोल रोल।